केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बड़ी घोषणा किया गया है। क्या घोषणा है जानने के लिए वीडियो को जरूर से एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा। उससे पहले वीडियो को देखते देखते एक लाइक कर देना और ऐसे नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का घंटी दबा दीजिए। उनकी ओर से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। वो आज जोधपुर में एक रैली के दौरान बोलते हुए कहा कि अगर सभी पार्टियों एक साथ आती है तभी बीजेपी CAA के मुद्दे पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी, अमित शाह ने कहा। नागरिकता संशोधन अधिनियम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है और इसके वापस लिए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कानून के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच दोहराया, जिसे कई लोग मुस्लिम विरोधी मानते हैं। जोधपुर में एक रैली में बोलते हुए अमित शाह ने विपक्षी कांग्रेस पर हमला किया। एक पार्टी ने परंपरागत रूप से अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आरोप लगाया और बाकी विपक्षी दलों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे झूठ फैला रहे हैं देश भर में। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के इतालवी मूल के एक बयान में कहा, अगर आपके पास हिम्मत है आओ और मेरे साथ बहस करो, यदि नहीं तो इसे कानून इतालवी में अनुवाद करने के लिए तैयार हूँ ताकि आप इसे पढ़ सके। कांग्रेस नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक गलत सूचना अभियान चला रही है। युवाओं को गुमराह किया गया था और वे सरका पड़ते, चाहे वे कितना भी झूठ फैलाए, हम कड़ी मेहनत करेंगे और हम अल्पसंख्यकों और युवाओं तक पहुँचेंगे, श्री अमित शाह ने कहा।